इतना अच्छा लगता है ना जब कोई सबको छोड़ के सारी दुनिया को एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ ध्यान देता है, हमें दूसरों से स्पेशल ट्रीट करता है। असल में हर एक इंसान, चाहे वो माने या ना माने, वो स्पेशल बनना चाहता है, सबके लिए या फिर किसी एक खास के लिए। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अक्सर स्पेशल बनने की चाह में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग खास बने कैसे। किसी के लिए स्पेशल बनने के लिए हम लोग अपना सारा टाइम उस इंसान को देने लगते हैं। या मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आप बॉस के फेवरेट बनना चाहते हैं, तो आप बॉस की फ्लैटरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन क्या इससे आप खास बन जाएंगे? क्या इससे आप बेस्ट एम्प्लॉय बन पाएंगे? नहीं। अगर आप भी हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे मैं बॉस का फेवरेट एम्प्लॉय बनूं, या फिर सब टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट बनूं, या फिर कैसे किसी एक के लिए या अपने परिवार के लिए सबसे खास बन जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जिसके बाद आप ही होंगे सबसे खास। तो उस सीक्रेट को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही खास वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। तो अगर आप भी खास बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को देखिए जो किसी ना किसी की नज़रों में स्पेशल है, और समझिए कि उसकी क्या वजह है, क्यों किसी को खास ट्रीट किया जाता है, क्यों किसी एक के लिए लोग दूसरों को अनदेखा करते हैं, या हमें या किसी ऐसे इंसान को दूसरों से बढ़कर ट्रीट करते हैं, इसकी वजह क्या है। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करें जिसे दूसरों से ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मान लीजिए वो आपके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय हो गया या फिर आपकी क्लास का मॉनिटर हो गया, उन्हें पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप देखेंगे कि उनमें एक चीज़ है जो उन्हें आपसे अलग बनाती है। वो ये कि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जी हाँ, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनमें कैपेबिलिटीज जो हैं आपसे ज़्यादा है। देखिए, हम लोग बोल देते हैं कि जो क्लास का मॉनिटर है वो बच्चों की शिकायतें लगाता है, इसीलिए टीचर्स का फेवरेट है, या फिर वो पढ़ाकू है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आप महसूस करेंगे कि ये सब असल में उसकी क्वालिटीज हैं। हो सकता है अगर उसने आपकी शिकायत लगा दी तो आपके लिए वो बुरा बन गया, लेकिन वो जिसका फेवरेट है, जिसकी अथॉरिटी है टीचर की, उसके लिए उसकी वो सारी की सारी आदतें जो हैं क्वालिटीज़ हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। वो आपसे ज़्यादा पढ़ता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है। वो हर बात टीचर को बताता है, चाहे सारी क्लास जितना मर्जी रोके, लेकिन अगर उसने कोई बात टीचर को बतानी है ना, तो वो ज़रूर बताएगा, ये उसकी कैपेबिलिटी है। दूसरी ओर हम लोग एक ऑफिस का सीन लेके चलते हैं। अब एक एम्प्लॉय है जो ऑफिस में बॉस का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, बॉस उसी को लगाते हैं। कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई भी अच्छा टेंडर कुछ आ जाए, कोई बाहर से क्लाइंट आए हैं, तो बॉस हमेशा उसी को आगे करते हैं प्रेजेंट करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि उसने बॉस की चापलूसी की है, बॉस की फ्लैटरिंग कर रखी है, बटरिंग करता है वो बॉस को, शायद इसीलिए बॉस उससे इम्प्रेस है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, पूरी तरह से आज तक जो जो कुछ ऑफिस में हुआ है, ध्यान से उसके बारे में सोचिए। बॉस हर काम के लिए उसे आगे करता है, उसकी वजह क्या है कि बॉस सोचता है कि वो जो इंसान है वो हर एक तरह का काम कर सकता है। बॉस की नज़रों में वो जो है आपसे ज़्यादा कम्पेटेंट है। उसे हर जगह कोई बाहर से क्लाइंट आए तो उसे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए आगे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर सके लोगों के आगे, तो ये भी क्या है, ये उसकी कैपेबिलिटी है। चलिए अब हम अपने घर की बात करते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि जो वो हमारे भाई से, हमारी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो बातें मानती है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, या कोई भी वजह हो गई ऐसी। अब उनको ऑब्जर्व कीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि आपका जो भाई है या बहन है, उसमें भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपसे ज़्यादा है।
इसीलिए वो आपके मम्मी पापा का खास है, इसीलिए वो एम्प्लॉय जो है वो बॉस का फेवरेट है, और इसीलिए गलती होने पे भी कोई भी टीचर मॉनिटर को कभी भी नहीं डांटे। यही सीक्रेट है स्पेशल बनने का, खास बनने का। आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि हम इंसान जो हैं कभी भी अपने पैदा होने के लिए खास नहीं होते कि जी हमने जन्म ले लिया है धरती पे तो अब हम खास बन गए हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान जो है उसका दुनिया में जो अस्तित्व है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो लोगों के लिए कितना काम कर रहा है, ये चीज़ उसे खास बनाती है। आप में जितनी समर्था होगी, आप जितना अच्छे से काम करेंगे, आप में जितने गुण होंगे, उतने ही आप दूसरों की नज़र में खास बनते जाएंगे। इंसानों की कीमत उनके गुणों के कारण होती है, उनके जन्म या उनके फाइनेंशियल स्टेटस के कारण नहीं। अगर आप भी खास बनना चाहते हैं, स्पेशल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ाएं। अब मान लीजिए आपने किसी एक इंसान को इम्प्रेस करना है, आपने अपने ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करना है, तो आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डिवेलप करनी शुरू कीजिए जो कि आपके बॉस को एक आइडियल एम्प्लॉय में चाहिए। अब आपको मान लीजिए काम जो है किसी अच्छे एम्प्लॉय के मुकाबले सिर्फ आधा आता है, लेकिन आपने बटरिंग में पूरे झंडे गाड़ रखे हैं, तो उससे क्या होगा, बॉस धीरे धीरे ये बात समझ जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बटरिंग करती हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बटरिंग करते हैं और काम जो है आपको नहीं आता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं होते, फिर भी बॉस जो है हर जगह उनको आगे करते हैं, उनको हर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। उसकी वजह उनका स्वभाव नहीं होता, उसकी वजह ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ के आए हैं या कम पढ़ के हैं, उसकी वजह होती है उनकी कम्पेटेंस कि वो कितने कम्पेटेंट है किसी भी काम को लेकर। अगर आप भी खास बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कम्पेटेंट बनिए। बी कम्पेटेंट टू बी स्पेशल।